दिस इज क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 द क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 5 मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में ठीक है। क्वेश्चन 6 में देखो ऐसा कुछ डायग्राम गिवन है आपको ठीक ठीक है ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। यहां है 65 ये है 25 अब इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी क्यों होगी द एंगल्स ऑफ अ The sum of the angles of a triangle is 180 degree, which means that 65 plus 25 plus x, suppose ये angle कौन सा है x is equal to कितना होगा 180 degree, ठीक है यहाँ से x की value आएगी कितनी आएगी 90 degree, ठीक है कितनी आएगी 90 degree, तो आपको क्या proof बताना है कि कौन सा सही है तो इसमें second वाला सही होगा क्यों क्योंकि hypotenuse कौन सा होगा बताओ ये है ए बी सी मतलब क्या है 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस मतलब बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये ट्रू होगा ठीक है ये आप देख लेना कौन से पॉइंट में है ठीक। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 थ्री स्क्वायर्स हैव एरियाज ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 9 सेंटीमीटर स्क्वायर विल द स्क्वायर एग्जैक्टली सराउंड द राइट एंगल ट्रायंगल यस क्यों क्योंकि स्क्वायर में ही जैसे स्क्वायर है ठीक है यहाँ पे जो ये एंगल्स होते हैं ये कितने होते हैं 4 एंगल्स होते हैं और ये कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के ठीक है। एक्सप्लेन द सेकेंड वन इज एक्सप्लेन योर आंसर तो क्या होगा उसका आंसर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ठीक। अब देन क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ देखो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो अभी मैंने रेक्टेंगल का क्वेश्चन कराया तो उसे आप कर लोगे। यहाँ डायगोनल की वैल्यू कितनी है AD और AD क्या है हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपका इस टाइप से डायग्राम गिवन है ठीक है ये है यहाँ पे है 6 एंड देन यहाँ है 8 एंड देन आपको डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये है आपका ए बी सी डी तो ए डी इज इक्वल टू बी सी ठीक है क्यों क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की और सी डी इज इक्वल टू ए बी ठीक है। अब यहाँ देखो ये कितना है ये राइट एंगल है ठीक है तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ठीक है समझ में आ गया। यहां से भी आप ले सकते हो जो ट्रायंगल आप लोगे उसी के अकॉर्डिंग आपने मेजरमेंट करनी है ठीक है लेनी है ठीक कर लोगे ये क्वेश्चन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्वेश्चन सेकंड के जैसा है लेकिन इसमें वैल्यूज कुछ और फाइंड आउट करनी है कैसे मैं बताती हूँ। अब देखो क्वेश्चन 9 क्या है अ लैडर इज placed in such a way that its foot is at a distance of 7 meter from a wall and its top reaches a window 24 meter above the ground. Determine the length of the ladder. अब क्या करना है आपको length find out करनी है देखो ये आपका question है ठीक है ये length आपको find out करनी है ठीक है यहाँ suppose एक window है ठीक अब यहाँ देखो length आपको find out करनी है और इसकी value कितनी दी हुई है 24 meter और फुट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम अ वॉल यानी कि ये कितना है 7 मीटर है। अब आप कर लोगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट सपोज इसको ए बी सी ले लेना ठीक है यहाँ क्या होगा राइट एंगल होगा ठीक है ए बी सी 24 स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज ये क्या है एक्स है द हाइट ऑफ द वॉल लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू एक्स मीटर ठीक है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 मीटर 7 स्क्वायर यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे वही आपका क्या होगा आंसर ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब क्या करना है आपको इसमें देखो इसमें क्या है आपका क्वेश्चन में कि जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का वो आपको गिवन है कितना है 800 ठीक है ध्यान से सुनना और जो टू साइड्स हैं ठीक है लेट द टू
टू साइड्स ऑफ द ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा एक्स, ठीक है, मान लिया, ठीक। अब यहां देखो हाइपोटेनस, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं, ठीक है, वो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू जो टू साइड्स हैं, ठीक, वो आप लिख लेना, तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखो, यहां 800 है इज इक्वल टू, यहां 1 है, यहां 1 है, ये मैंने ऐड करना बताया है आपको, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 एक्स स्क्वायर, 4 नहीं होगा यहां, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा 800 अपॉन 2, क्यों, क्योंकि 2 यहां पे क्या है, इनटू में है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड किया कितना आ गया 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स की वैल्यू रूट ऑफ 400, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर या फिर जो भी आपका यूनिट गिवन हो आपको, मीटर, ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। कैसे लिखोगे आंसर आप, द टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, ईच साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, नॉट टू साइड, ठीक है, ईच साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक, ये समझ में आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन नॉट दिस इज नॉट 9 दिस इज 10th क्वेश्चन, सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 8.4 एंड देन आप मुझे याद दिला देना, क्योंकि सैटरडे को आपको आपकी क्लास होती है, उस दिन छुट्टी है, ठीक है, दिवाली है इसलिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन 5th करा दूंगी, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वजह से।